हशर हुआ है, और हशर इसलिए हुआ है क्योंकि वी वर डूइंग शिफ्टिंग ये लिवर टावर में, और लिवर टावर में आपको सारा दिखाऊंगा, लेट मी फिनिश इट। ये शायद वाहिद सेटअप होगा पूरे रीजन में जहां पेशेंट्स को इंटरनेट हाई स्पीड, नेटफ्लिक्स, ये ओपीडीज में लोग ये नहीं करते, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ ग्रीन टी, पानी, साफ पानी, दुनिया जहान की हर वो नेमत जो एक बंदे को सिटिंग वेटिंग एरिया में रिक्वायर्ड है, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, अच्छा एसी, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट, ये ड्रामे के लिए नहीं, हर तरह की फैसिलिटी। लेकिन जो चीज़ मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ वो जनूबी पंजाब में एक अहम कदम है। बहुत सारे लोग जो यूरिया ब्रेड टेस्ट की बात करते हैं, जो एच पायलोराई का जरासीम अंदर आता है मेदे में, जो तेजाबियत बदहजमी करता है, या तो एंडोस्कोपी करके बायोप्सी की जाती है या फिर पखाने में, दोनों तकलीफ दे टेस्ट है। एक और टेस्ट है यूरिया ब्रेड टेस्ट, कि ये जरासीम जो यूरिया और ये जो गैस सारी पैदा होती है उसको ब्रेथ के जरिए चेक किया जाए कि एक्टिवली इन्वॉल्व है कि नहीं। देखिए, अगर आपकी एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है, डजंट कन्फाइन कि वो एक्टिवली मौजूद है कि नहीं। एक्टिव चेक करने के यही दो तीन तरीके थे जो मैंने बताया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये यूरिया ब्रेड टेस्ट है क्या, किस तरह परफॉर्म करेंगे, और जनूबी पंजाब में बहुत रेयर हो रहा है, इवन पाकिस्तान में बड़ा रेयरली परफॉर्म किया जाता है, जो हम मेदा जिगर टावर में करने लगे हैं, और ये हम करने लगे हैं। मैंने MOU किया टेस्ट जोन डायग्नोस्टिक्स के साथ एट ए वेरी अफोर्डिंग कॉस्ट। लेट मी शो यू हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट। ये देखें, तो लेट मी शो यू, ये करेंगे कैसे बताएं। ये हमारे पास वॉलंटियर हैं, ये वही समोसा बॉय हैं, ये आज वॉलंटियर करेंगे हमें, और ये इन पे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। बताओ कैसे करिए। ये UBT एनालाइजर है जिसके जरिए हम इस पे UBT टेस्ट करेंगे। इसके ये किट के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंडिकेटर ट्यूब है, ये होज है, ये माउथ पीस है, और ये इनटेक है जिसके जरिए एच पायलोरी एक्टिव होके अपना स्टेटस शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, यूरिया 0.5 ग्राम जी, यूरिया डाल रहे हैं। ठीक है, डीमैनिटोल पाउडर, डीमैनिटोल पाउडर डाल रहे हैं जी। ये आप जिस बंदे का करने लगे हैं ना, इसका नेगेटिव आया तो मैंने शक करना है, इसका पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, जो इसके आशर है गैस का, सारा दिन इसके गैस के रोने हैं, समोसे जो खाता है जी। ये क्या डाल रहे हो बताओ? ये डीमैनिटोल पाउडर है 2 ग्राम। ठीक है, डीमैनिटोल पाउडर डाल, ये दोनों हम मिक्स करके जी ये सॉल्यूशन हम पेशेंट को दे देंगे इनटेक कर। तो ये दिल साहब पीने लगे हैं, और टेस्ट कैसा है? कैसा टेस्ट आ रहा है? तुर्श, मतलब खट्टा टेस्ट आ रहा है। चलो गुड, पी लो सारे। ऊंचा बोल, ये क्या है? ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें न्यू टेस्ट स्टार्ट किया है। आपका नेम? अदील शफी। शफी शफी जी। ये जनाब 7,000 रुपए का टेस्ट है, और डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताओ, पैदा कब हुए थे? 1993। सही वाली बताएं, आईडी कार्ड किधर है आपका? आईडी कार्ड दिखाओ। नहीं, अभी तेरा यूरिया पॉजिटिव आ जाना। चले आगे। 93 जी, मई नहीं, 15/1/1993 जनवरी। जेंडर बताएं, मेल फीमेल? मेल। मेल जी, आगे। नेक्स्ट। अच्छा, अब आपने दोबारा एक दफा जी, अब ये कुल्ली कर रहे हैं अच्छी तरह गार्गल करके। चले गुड। ये क्या कर रहे हैं? ये होज हम कनेक्ट करेंगे एनालाइजर के साथ। एनालाइजर के साथ, ये एनालाइज यानी हेलिंग एबीटी रीडर जो है ये इसको पढ़ेगा, ये एनालाइजर के साथ इसको चेक करेंगे और हमें बताएंगे जी। ये माउथ पीस है जो पेशेंट के माउथ में जाएगा। ये माउथ पीस है जो पेशेंट के माउथ में, इसके थ्रू जो हम जनरेट करेंगे। चलें जनाब, ये ब्रीथ करेंगे और ये सॉफ्टवेयर इसको पकड़ेगा। ये लोड लेने के बाद 1 मिनट का वेट हमने पूरा कर लिया। अब ये नॉर्मली आपने इंस्ट्रक्शन दे पेशेंट को जो आपने दिए, दोबारा क्या करें? ये आपने ब्रीथ करना है और होंठ जरा से खुले रहेंगे, और सलाइवा अगर मुंह में इकट्ठा हो जाए तो आप 1 मिनट के लिए इसे बाहर निकाल के रिलैक्स हो। आप इसमें सांस लेते रहो, इनहेल और एक्सहेल करते रहो, नाक से सांस लें और एक्सहेल इधर करते रहो, मत करो। ये जैसे नॉर्मली आप सांस ले रहे हो ना, इनहेल एक्सहेल, मतलब समझो ये मुंह में है ही नहीं, ठीक है, वैसे आप सांस लेते रहो। ये फिर इजी हो गए। अरे कितनी देर बैठना पड़ेगा ऐसे इसको? ये 3 मिनट का तकरीबन, ये 3 मिनट ये इस तरह बैठेगा। ये आप इसको सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर रहा है कि अगर एक्टिवली इसके अंदर ये एच पायलोराई का जरासीम मौजूद है तो वो सॉफ्टवेयर बताएगा। ये टोटल कितनी देर करेगा बताए? अभी ये 3 मिनट जो ब्रीथ करेंगे इससे बेसल रीडिंग ली जाएगी, बेस रीडिंग, ठीक है। इसके बाद जो रीडिंग है इसको हम एनालाइजर में स्कैन कर लेंगे। उसके बाद दोबारा 7 मिनट के लिए ब्रीथ करेंगे,
वो लोड रीडिंग होगी, और इन दोनों का जो डिफरेंशियल आएगा उससे सॉफ्टवेयर इंटरप्रेट करेगा कि ये एच पायलोरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलें देखते हैं, ए पॉजिटिव ना आया तो मैं मशीन तो लौट रहा हूं। चलो ठीक है, ये क्या किया आपने? ये इंडिकेटर ट्यूब हमने इसके अंदर रख दिया और एनालाइजर इससे अब इसको स्कैन करेगा। गुड, और इसकी बेसल रीडिंग ले लेगा। जबरदस्त, हम लोड रीडिंग के लिए दोबारा आपको दे रहे हैं, दोबारा एक मिनट इसको हाथ में पड़ते हैं, जब मैं कहूँगा आपने से फिर दोबारा वैसे ही जी। अब आप इसको दोबारा उसी तरह इजी हो जाए, ठीक है, दोबारा हो जाए। अब ये 7 मिनट दोबारा ब्रीथिंग करेंगे, 7 मिनट बस इसमें बिजी होकर बैठे रहो, फिर रीडिंग आएगी, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये क्या चल रहा है बताओ? अच्छा, ये जितना टाइम इन्होंने ब्रीथ करना है, मीनवाइल ये एच पायलोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि एच पायलोरी कैसे डिटेक्ट हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो ये स्लाइड शो है ताकि जरा तवज्जो बढ़ जाए। हां, जरा मरीज आ रहे लगा रहे हैं, अदरवाइज हम इसको मजे के कार्टून है, बोल भी नहीं सकता, तो उसमें एंटरटेनमेंट यार हम यहाँ एलईडी लगवाते हैं मरीज के लिए ना, जरा सुकून से उतनी देर वो नेटफ्लिक्स देखे। हमने वैसे पूरे लिवर टावर में हाई स्पीड इंटरनेट दिया है नया टेल का पेशेंट्स के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट के साथ हाई वोल्टेज के जो अच्छे वाला एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट दिया है, हर तरह से उन्हें फैसिलिटेट किया है, और कोई भी मतलब अगर उनका वेटिंग टाइम है तो दे विल बी मैक्सिमली फैसिलिटेटेड। कह रहे थे कि इसकी बेजल रीडिंग इतनी आ गई है कि ये 7 मिनट वाला टेस्ट है असी जड़ा ना स्वाब दी तो कर रहे हैं, हुण देखते हैं की होंगे। लेकिन जो हम खाते हैं पाकिस्तानी खुराकें और बेसिकली पानी और कंटेमिनेशन, तो एच पायलोराई एक्टिवली बहुत सारे लोगों के मैदे में होता है। जब एंटीबॉडी आ जाती है डजेंट मीन कि अब आपने वो एमोक्सिल फ्लैजिल और वो सारी जो ट्रिपल थेरेपी है वो लेनी है। जब तक ये एक्टिव है कि नहीं उसको ट्रीट करने का फायदा है। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, उसी एंटीबॉडी को बार बार चेक करा के ट्रीट करते जाते हैं जो मरीजों के साथ ज्यादती है, उससे एमोक्सिल फ्लैजिल और बाकी जितनी ट्रिपल थेरेपी में दवाइयां यूज होती हैं उनको तो फायदा है लेकिन मरीज को नुकसान है। लेकिन एक दफा अगर ये 6-7 हजार का टेस्ट हो जाए ओवरऑल, तो उससे मरीज कन्फर्म टारगेट करेगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको पता हो कि हमने यहाँ मिसाइल डालना है, अदरवाइज वर्थलेस हो जाता है। तो देखते हैं कि अदील का रिजल्ट कैसे आता है। सुकून में हो, इजी बैठे हो, तो मसला तो नहीं हो रहा, एच पायलोरी ठीक है, चल चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? ये बेस रीडिंग का कलर इस तरफ से था, ये अब लोड रीडिंग का आ रहा है और ये वापस में मर्ज होने लगा है, इतना ज्यादा इनकी रीडिंग आई है। हुण आ जाए पॉजिटिव। अभी जो इंजीनियर परफॉर्म कर रहे थे वो कहते सर आप अदील से ना उसका हाल चाल पूछे, एच पायलोराई से पूछे वो ठीक है कि नहीं, आप ठीक हो एच पायलोराई? जब बाहर आता है तो देख लेंगे वो ठीक है कि नहीं। दोबारा एच पायलोराई दी चीका कटा देती हैं, वो पिछला इमेज आ सकता है? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ले ये आप इंजॉय करें, आप उतनी देर ये देखें जितनी देर आप सांस ले रहे हैं ना आप इसको देखें। अच्छा ये मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट है, ये मरीज नहीं आया हुआ मेरे पास इसलिए इसके साथ मजाक कर रहा हूँ, बाद में कहीं मरीज के साथ मजाक कर दिया, ये कोई मरीज नहीं है, ये हमारा एंडोस्कोपी टेक्नीशियन है। कलर मर गए हो गए दोनों तरफ के। अच्छा ये कंफर्म है पॉजिटिव है? इनके सेपरेट इंडिकेटर ट्यूब लगानी पड़ेगी, इन पर दो टेस्ट लगेंगे। दो टेस्ट लगेंगे क्यों, कितना ज्यादा है? ये बेस रीडिंग एक तरफ से इंडिकेटर ट्यूब शो करती है और लोड रीडिंग दूसरी साइड से, तो अभी क्योंकि इनका बहुत ज्यादा आया है बेस रीडिंग भी और लोड रीडिंग भी, तो इनके लिए बेस रीडिंग के लिए अलग से इंडिकेटर ट्यूब यूज करनी पड़ेगी और लोड रीडिंग के लिए अलग से इंडिकेटर ट्यूब यूज करनी पड़ेगी, ताकि दोनों रीडिंग 8000 का टेस्ट 16000 रुपए आ गया, जो कंफर्म रीडिंग देगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। क्या तबाही मच रही है। ठीक, ये दिल भाई ने जो समोसे खा खा के अपने मैदे की मत मारी हुई है, तो ये काफी देर से जो चूसनी लेके बैठे हुए, ये बेसिकली पहले 1 मिनट बेजल के लिए, 3 मिनट बेजल के लिए, और फिर 7 मिनट बाद में कंफर्मेटरी रीडिंग के लिए करना पड़ता है। अभी कंफर्मेटरी रीडिंग इसके 2 मिनट और रह गए। मजे की बात यह है कि कंप्यूटर कंटिन्यूसली आपको एंटरटेन करता है, लेकिन हम यहाँ एलईडी भी सामने इसके लिए लगी हुई है, नेटफ्लिक्स नजर आ रहा है, आप उतनी देर वो देखें इंजॉय करें, ठीक है चल। अच्छा इसमें कंटिन्यूसली जो मुझे इसके सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात लगी है ना, ये कंटिन्यूसली एंटरटेन करते जा रहे हैं उस बंदे को ना, बोर नहीं होने दे रहे, वो कंटिन्यूसली जो है वो एंटरटेन रहे और वो बोर ना हो। जी सर, बस इनका थोड़ा सा टाइम रह गया है तो इंशाल्लाह इसका देखते हैं क्या आता है, फिर उस हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे। चले अच्छा इसमें मजे की बात यह है कि आप मरीज को टपा भी नहीं सकते, हालांकि हम कंफर्म हो गए हैं कि इसका पॉजिटिव है, लेकिन उसका टाइमर लगा हुआ है, जब तक वो टाइम पूरा नहीं होगा
तब तक जो है हम वो उसको निकाल नहीं सकते. दिस इज़ हाउ दिस सॉफ्टवेयर वर्क. और याद रखें कि इस मशीन की मालियत भी तकरीबन पाकिस्तानी 3 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक है, 30 से 50 लाख. और इस तरह ये ओवरऑल सिस्टम जो है काम करते हैं. ये सिर्फ ये वाली मशीन तकरीबन 15-20 लाख की, और फिर ओवरऑल तकरीबन 25-30 लाख रुपए में. तो ये जनूबी पंजाब में वी आर डूइंग इट. जी बताएं क्या करने लगे हैं. अब हम ये लोड रीडिंग को स्कैन करने लगे हैं. अब हम स्कैन करेंगे. अब ये स्कैनर में जा रहा है और ये हमें बताएगी कि इस भाई ने जो तबाही मचाई है समोसे खा खा के, या ओवरऑल मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, वो कितनी है और क्या है. लेट्स सी इट. बेस रीडिंग थी 12.2. बेसल रीडिंग आई है 29.2. ठीक है. तो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव है. पॉजिटिव आ गया. इस तबाही हम सेव भी कर लेते हैं. सही है. और यहाँ से खुशी वाली गल नहीं हैगी ओवरऑल, लेकिन ये है कि इसका पॉजिटिव आ गया है. तो ये अदील शफी साहब की रिपोर्ट प्रिंट होने लगी है, विच इज पॉजिटिव. ये हम आपको दिखाते हैं. इट इज कमिंग आउट. ये जनाब आपका एच फाइल हो रहा है, बाहर आ रहा है आपके सांस के जरिए. जी ये जनाब, ये हमारे सामने अदील शफी का टेस्ट है, विच इज पॉजिटिव नाउ. ठीक है. तो आपको के अंदर एच पाइलोराई है और अब हम आपको ट्रिपल थेरेपी देंगे. ये जनाब वो टेस्ट है, आप मेरे साथ हैं. तो ये अदील का टेस्ट पॉजिटिव आ गया और हाईली पॉजिटिव है. तो दिस इज हाउ लिवर टावर ने, मैंने जो कंफर्ट केयर की है वो बहुत ज्यादा, ये भी काम हो रहा है, बहुत ज्यादा टेक गैजेट रिलेटेड भी काम हो रहा है, इसलिए मेरा हशर तशर नशर हुआ है. लेकिन ट्रस्ट मी, लिवर टावर इज अ रेवोल्यूशन अंडरगोइंग. और इसमें वो कुछ है, जिगर कैंसर को जलाना, बच्चेदानी की रसौलियों को जलाना, और आईआर का सारा लिवर ट्रांसप्लांट, जिगर पैवनकारी की एवेल्युएशन, जिगर कैंसर का इलाज, हेपेटाइटिस का, मेदे जिगर की तमाम बीमारियों का इलाज. ये जहां मैं एंटर हुआ है डॉक्टर सूट है, मेरे कमरे का हशर हुआ है, काम हो रहा है. आज यहाँ सो ही इज इम्प्लांटिंग थिंग्स. ये वो LEDs हैं बड़ी जिन पे हमने MDTs करनी है. ये ओवरऑल ये वही जिन पे मैं आपको समझाया करता था. फिर इसी तरह ये चैम्बर्स हैं सारे, सारा गैजेट रिलेटेड इंटरलिंक्ड है, सब कुछ कंप्यूटर पे आएगा हर चीज़. इसी तरह इधर आए, ये मैंने कुछ मशीन रखी हुई है, हमने इवन वाइटल्स के लिए महंगी महंगी मशीनें रखी हैं. ओवरऑल स्टॉप करें, मेडिकल ऑफिसर्स की टीम लगी हुई है, इवन हमने मोनिटर्स पे वाइटल्स का सारा सिस्टम किया है. न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं, अभी तो सबके हशर हुए हैं. मैं मासी वाला सीन हुआ जो हम मतलब सारी शिफ्टिंग में, यही वजह थी मैं आपके से गायब था. सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग अप. और इंशाल्लाह ताला मेदा जिगर टावर मुल्तान, अभी बहुत बड़ा एंडोस्कोपी सूट, आईआर सूट, मेगा ओपीडी कॉम्प्लेक्सेस, फिर पीछे स्टूडियो भी बना हुआ है, न्यूट्रिशन साइकोलॉजी काउंसलिंग रूम्स, मेगा अल्ट्रासाउंड अच्छी वाली, उसके अलावा एंडोस्कोपी बहुत महंगी, सी आर्म्स इक्विपमेंट्स, उसके अलावा मल्टी मेगा कॉम्प्लेक्स ऊपर, साफ तरीन, मतलब हर वो चीज़ जो एक मरीज को चाहिए एक सेटअप में, इज्जत के साथ, एक अच्छे सिंगल स्पेशलिटी टेलर्ड मल्टी स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स में, ER की फैसिलिटीज़ और दुनिया जहान ये सब बनता चला जा रहा है. एंड यू विल सी आर रेवोल्यूशन. अभी ये जो वीडियो थी एच पायलो तक महदूद थी. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी. डॉक्टर अफान कैसर विद ऑल लव एंड दुआओं का तालिक साइन.